सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एडवर्ड विंग एंड एज़ प्रोमिस्ड जियोग्राफी के लेक्चर जो हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं जेके पी एस सी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोऑपरेटिव पोर्शन जो है वो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है उसकी अलग से प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगी तो जिसको भी कोऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना है पूरा कंप्लीट कोऑपरेटिव पोर्शन जो है थ्योरी विद एम वो अवेलेबल मिलेगा आपको वहाँ पर और आज से हम जियोग्राफी जो है जेके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की उसको शुरू करेंगे इसे भी हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका जो मेन पोर्शन रहता है वो है पॉलिटी का उसको भी हम जो हैं आने वाले टाइम में एग्ज़ाम से पहले जो है वो करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आज जो है लेक्चर वन है जियोग्राफी का एंड पहला सब टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी ठीक है तो इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी जो है अगर इसको अगर देखोगे तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव में आपको ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट्स वगैरह मिलेंगे नहीं थ्योरी ही है इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं बेसिक सी चीज़ें हैं आपको पता भी होंगी और इसमें से अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी सिलेबस में आपको टॉपिक है एक ओवरव्यू जो है वो हम ज़रूर इसका देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है जियोग्राफी की क्यों हमें जियोग्राफी पढ़नी चाहिए आखिर हम जियोग्राफी पढ़ते क्यों हैं ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग और हिस्ट्री ठीक है तो जियोग्राफी जो है उसका मतलब क्या है और जियोग्राफी जो है वो टर्म आई कहाँ से ठीक है और हिस्ट्री जो है यानी एनशेंट टाइम जो है हमारा ट्रेडिशनल टाइम है उसमें कब कब जोग्राफी जो है उसका इस्तेमाल किया गया और मौजूदा हालात जो है वो क्या हैं ठीक है सबसे पहले जियोग्राफी की बात करें तो दो ग्रीक वर्ड्स जो हैं वहाँ से मिलकर जो है जियोग्राफी बनती है एक है जियो जिसका मतलब है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू राइट और टू डिस्क्राइब ठीक है जो जियो का मतलब अर्थ है एंड ग्राफी का मतलब है लिखना किसी के बारे में या किसी के बारे में डिस्क्राइब करना तो अगर जियोग्राफी की फुल टर्म देखोगे तो इसका मतलब है डिस्क्राइबिंग अबाउट आर राइटिंग अबाउट अर्थ ठीक है तो ट्रेडिशनल मीन जो है ये यही था कि अर्थ के बारे में कुछ अगर आप लिख रहे हैं या अर्थ के बारे में आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसे हम जियोग्राफी कहते थे हालांकि मौजूदा टाइम में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ अर्थ की स्टडी तक ही लिमिटेड नहीं है अब हर एक चीज जो कि अर्थ को इफेक्ट करती है अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स जो है उनको इफेक्ट करती है उसकी स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं प्लैनेट्स जो हैं जो कि अर्थ को अफेक्ट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं उनको भी अब हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सीज़ जो हैं इनको भी हम स्टडी करते हैं तो अब जो है सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रह गई है लेकिन ट्रेडिशनल मीन में अगर हम देखें तो जियोग्राफी का ये मतलब रहना

टर्म का इस्तेमाल किया था बीसी के टाइम जो है जब आ, आम इंसान को नॉलेज भी नहीं थी कि उसके सराउंडिंग में है क्या चीज़ तब इलेटोस्थीन ने जियोग्राफी टर्म का यूज़ किया था अर्थ की स्टडी को डिफाइन करने के लिए ठीक है लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जी कार्टोग्राफी जो है कार्टोग्राफी रहती है मैप्स बनाने की जो स्टडी रहती है कि मैप कैसे बनाए जाते हैं तो ये कार्टोग्राफी टर्म जो थी ये ज्योग्राफी टर्म जब यूज़ की थी रेटोस्थीन ने उससे कई साल पहले जो है कार्टोग्राफी टर्म जो थी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो कार्टोग्राफी पहले आई या जियोग्राफी पहले आई टर्म तो पहले कार्टोग्राफी टर्म जो है वो यूज़ में आई ठीक है अब अगर हम अप्रोच देखें तो दो तरह की अप्रोचेज़ जो हैं जियोग्राफी में मानी जाती हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच है एक सिस्टमेटिक या फिर जिसे हम जनरल जोग्राफी अप्रोच भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसे हम ग्लोबल लेवल पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं या तो हम उसे एटलीस्ट कॉन्टीनेंटल लेवल पर जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं यानी अगर हम टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं तो हम पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज टेम्परेचर स्टडी करने की कोशिश करेंगे या हम क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे या तो कम से कम एटलीस्ट हम कॉन्टीनेंट्स जो हैं एक कॉन्टीनेंट की पूरी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे यानी अगर हम टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं तो हम एशिया का पूरे एशिया का टेम्परेचर uh, जो है उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी अप्रोच जिसमें हम पूरे वर्ल्ड वाइड एक फिनिना को देखते हैं या फिर एटलीस्ट हम कॉन्टीनेंटल लेवल पर एक फिनिना को देखते हैं उसे हम कहते हैं जनरल जियोग्राफी अप्रोच या फिर जिसे हम सिस्टमैटिक जियोग्राफी अप्रोच के नाम से भी भी जानते हैं ठीक है और ये टर्म जो है ये किसने दी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ठीक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जो है ये टर्म है जनरल जियोग्राफी या फिर सिस्टमैटिक जियोग्राफी और दूसरी तरफ हमारे पास रीजनल जियोग्राफी अप्रोच आ जाती है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के रिलेटेड रहती है यानी अगर हम हम मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें तो हम मेडिटेरेनियन रीजन के क्लाइमेट की बात करेंगे मेडिटेरेनियन रीजन की प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे या फिर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करेंगे या किसी स्पेसिफिक लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो एक रीजनल बेसिस पर जो स्टडी रहती है उसे हम कहते हैं रीजनल जियोग्राफी अप्रोच और इस टर्म को किसने दिया था कॉल रिटर ने ठीक है कॉल रिटर थे ये माने जाते हैं किसके कॉन्टेप्रेरी एलेक्जेंडर हमबोर्ट के कॉन्टेप्रेरी माने जाते हैं यानी दोनों जो हैं एक ही लगभग ईयस में जो हैं ये जिए हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है लेकिन एक सदी हम कह सकते हैं एक ही सदी के जो हैं दोनों नायक रहे हैं ठीक है एंड आखिर में मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो है जोग्राफी में जो है जोग्राफी की अगर आप बात कर रहे हैं या जोग्राफी में आपने पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे तो मेन क्वेश्चन जो जोग्राफी जो 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 में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वेयर यानी कोई भी चीज़ है जैसे आप कैस्पियन सी की बात कर लीजिए तो अब आपको, आपको जियोग्राफी में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको यही क्वेश्चन मेन देखने को मिलता है वेयर इज कैस्पियन सी वेयर इज़ चाइना वेयर इज़ इंडिया वेयर इज मेडिटेरेनियन सी वेयर इज़ वो ठीक है यानी मैप में आपको लोकेट करनी पड़ती है मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जोग्राफी का वो है कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये चीज़ आपको लोकेट करनी है ये जियोग्राफी में जैसे आप हिस्ट्री में क्या करते हैं हिस्ट्री का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो है वैन यानी ये चीज़ कब हुई ये इवेंट कब हुआ 1957 फिफ्टी सेवन का रिवॉल्ट है कब हुआ इंडिया आज़ाद कब हुआ ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हिस्ट्री का बेसिक रहता है वेन पॉलिटी का बेसिक रहता है वॉट यानी क्या चीज़ क्या है प्रेजिडेंट क्या है प्राइम मिनिस्टर क्या है फंडामेंटल राइट्स है? क्या हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं इसी तरह जियोग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चन रहता है वो है वेयर ठीक है तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे इसके बारे में और ट्रेडिशनल टाइम में देखें तो इंडिया में जियोग्राफी की जो है स्टडी uh, वो काफ़ी ज़्यादा पहले जो है हमें इसके बारे में पता था ऑल्दो साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो तो काफ़ी लेट हुई लेकिन साइंटिफिक स्टडी के बिना भी हमारे जो एंशियंट टाइम था हमारा जो मिडिवियल पीरियड था या एंशियट पीरियड था वहाँ पर काफ़ी सारे हमारे uh, बुद्धिजीवी ऐसे भी थे जिन्होंने जियोग्राफिक के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है वो हमें पहले ही बता दिया था बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के वो इतना ज़्यादा जो है वो जानते थे अपनी दिमाग से जो उनको ख्याल आते थे उसके बेसिस पर भी वो काफ़ी कुछ जानते थे और उसके बेसिस पर उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखती हैं जो कि आज के ज़माने में हम डिस्कवर कर रहे हैं वो चीज़ें आज से कई सदियों पहले जो है वो चीज़ें बुक्स में लिखी गई जा चुकी हैं चाहे वो एंशंट टाइम रहा हो इंडिया का या मिडिवल टाइम रहा हो कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जैसे कि कहते हैं कि कोटल्या का अर्थशास्त्र बुक जो है कोटल्या के द्वारा लिखी गई है चनक्या भी इन्हें कहते हैं इसमें जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी जियोग्राफिकल और स्टैटिक्स स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है अबाउट द वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी सारे दुनिया के हिस्से हैं जिनकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कौटल्या के द्वारा लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है उस समय जब साइंटिफिक स्टडी जो थी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी जब हमें किसी के चीज़ के बारे में नहीं पता था तब ये लोग जो हैं उन्होंने ऑलरेडी जोग्राफी के बारे में वहाँ पर सब कुछ बता रखा है उसके बाद पुरान जो है वेद या पुरान आप अगर देखेंगे तो इन के जो कंपोजर हैं इन्होंने तब उस टाइम जो है वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करता था उसको ऑलरेडी सात कॉन्टिनेंट में बांध के रखा था सॉरी बांध के रखा हुआ था अलग अलग नाम से ज़रूर जाना जाता था इन्हें लेकिन सात कॉन्टिनेंट जो कि आज आ, हम डिस्कवर कर पाए हैं ये उस टाइम पुरान जब लिखे गए थे उसी टाइम जो है पुरान के जो कंपोजर्स थे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि सात कॉन्टिनेंट जो हैं वो उस टाइम दुनिया में भी एग्जिस्ट करते थे उसके अलावा वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के नाम ही नहीं बताए बल्कि उन कॉन्टिनेंट्स का क्या क्लाइमेट है क्या इनकी ज्योग्राफी है ये ऑलरेडी पुरान्स में बता दिए गए हैं जो आज से कई सदियाँ पहले जो हैं वो लिखे गए थे उसके बाद बृहद संहिता जो है वारा मीरा के द्वारा लिखी गई बुक है यहाँ पर भी प्लेटरी मूवमेंट का जिक्र आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल क्लाउड्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सब चीज़ों का जिक्र जो है वो आपको मिलेगा जो कि आज से सदियों पहले जो है बुक्स लिखी गई हैं उसके बाद आर्य भट्टा ने जो है अपनी बुक आर्य भाटिया में जो है एग्जैक्ट सर्कम स्टांस फ्रांस जो है वो अर्थ का ऑलरेडी बता दिया था उस जमाने में जबकि बिल्कुल भी साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास नहीं थी और सच में बताइए देखिए आर्यभ्टा ने जो सर्कम फ्रांस नापा था अर्थ का तब वो था 24,835 माइल जो कि ओरिजिनल जो कि आज के ज़माने में साइंटिफिक स्टडी करके मापा गया वो था 24,902 माइल्स यानी वो इस जो आज के ज़माने में साइंटिफिक स्टडी के द्वारा नापा गया उससे सिर्फ 0.2 परसेंट कम था बिल्कुल एग्जैक्ट आप कह सकते हैं उस ज़माने में उन्होंने एक आइडिया से अपना बताया था कि अर्थ का सर कंफ्रांस इतना रहेगा और आज जब साइंटिफिक स्टडी के थ्रू जो है स्पेस में जाकर उसकी इन्वेंशन uh, की गई उसकी डिस्कवरी की गई तो पता चला कि बिल्कुल आर्य ने जो बताया था सेम टू सेम वही है सिर्फ पॉइंट जो है पॉइंट का फर्क है बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है हमारे पुराने काफ़ी सारे लोग थे जो कि काफ़ी कुछ जानते थे काफ़ी नॉलेज थे उनको अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ज़ोग्राफी की बात करें कि वाई ज़ोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट तो आ, अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप भी तो आठ दस पॉइंट बता ही देंगे जो भी ज़ोग्राफी जिसने थोड़ी सी भी पढ़ी है टेंथ तक ट्वेल्थ तक ग्रेजुएशन तक हर कोई बता सकता है कि ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो एक कोटेशन जो है अगर आप माइकल पैलिन की वो आप देख लेंगे तो आपको ज्योग्राफी का सारा का सारा जो है तथ्य वो यहाँ पर निकल कर पता चल जाएगा इनका कहना था कि ज्योग्राफी एक्सप्लेन द पास्ट सॉरी ज्योग्राफी एक्सप्लेन द पास्ट एलिमिनेट द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर अस फॉर द फ्यूचर वी कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन सॉरी वट कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट तो माइकल पैलिन कहते हैं कि ज्योग्राफी क्या करती है कि हमें एक तो पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट हमारा क्या है कैसा था क्यों था उसके बाद हमें प्रजेंट के बारे में हमें जागरूक करती है कि प्रेजेंट जो है वो क्या है कैसा रहेगा और फ्यूचर के बारे में भी हमें प्रिपेयर करती है यानी आज हम चीज़ों को जानते हैं कि कोई चीज़ है उसे हम जानते हैं कि कल वो कैसी थी आज कैसी चल रही है और उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हम फ्यूचर में वो चीज़ कैसी रहने है और इस चीज़ तीनों को यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जो चीज़ आपको बता रही है अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है तो यहीं से आपको ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल जाती है आपको ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी पढ़ना तो सिर्फ ये एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक कोटेशन पढ़ लीजिए माइकल पैलिन की आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आ जाएगी ठीक है बेसिक पॉइंट्स थोड़े देख लेते हैं जल्दी जल्दी में ठीक है कोई ज़्यादा इतनी डिफ़ाइन करने वाली ज़रूरत नहीं है देखिए स्टडी सबसे पहले तो ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी हमें नॉलेज देती है और हमें स्टडी करवाती है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो धरती पर हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं उन पर हमारा हमारी लाइफ पर उनका क्या असर पड़ता है देखिए हमें तो फॉर्मेशन ऑफ प्लानट्स के बारे में सबसे पहले बताती है स्पेशली अगर हम अर्थ की बात करें जहाँ पर हम रहते हैं तो अर्थ कैसे बनी है किस प्रोसेस के द्वारा बनी है और अर्थ में अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर टाइम में अर्थ जो है वो कैसी रहने वाली है इन सब के बारे में हमें बताती है ज्योग्राफी की स्टडी इसीलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप उसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ के अलग अलग लाइफ जो हैं वो कैसे हमारी बनी हैं और कैसे वो मौजूदा उनका क्या स्टेटस है फ्यूचर में कैसे रहने वाली हैं इन सब की स्टडी और नॉलेज हमें जियोग्राफी प्रदान करती है उसके बाद डिफरेंट लेयर्स जो हैं अर्थ की यानी आप हम लिथोस्फेयर की बात करो तो आप हम जो हैं लिथोस्फेयर के ऊपर ही रहते हैं तो लिथोस्फियर कैसे बनी एटमोस्फेयर जहाँ से हमें हवाएँ मिल रही हैं या हाइड्रोस्फेयर जहाँ से हमें पानी वगैरह रहा है बायोस्फेयर हमारा जो सराउंडिंग uh, है जिसमें अलग अलग एनिमल अलग अलग प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब कैसे बने इसके बारे में भी हमें कौन बनाता है ज्योग्राफिक स्टडी इसके बारे में हमें बताती है ठीक है और ये हमें बताती है कि हम कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं हाउ वी आर एग्जिस्टिंग वैन वी आर सपोज टू बी एग्जिस्ट एंड वेयर वी आर एग्जिस्टिंग ये सब चीज़ों के बारे में हमें बताती है ज्योग्राफिक की स्टडी इसलिए ज्योग्राफिक की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके ठीक है उसके बाद काफ़ी सारे बिग इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में ह्यूमन बींग्स की लाइफ की बात करें तो काफ़ी सारे हज़ार्ड्स हैं जिसके बारे में हमें ज्योग्राफी की स्टडी से ही पता चलता है ठीक है हज़ार्ड अकोरेंस जो है यानी हज़ार कौन कौन से तरह के हजार हो रहे हैं उनकी एक्चुअल प्रोडिक्शन हम आज कर पा रहे हैं और उनका सोल्यूशन भी आज हम देने पा रहे हैं ये सब किसकी बदौलत है जो हम की स्टडी कर पा रहे हैं उसी की वजह से हमें ये सब कुछ पता चला है क्या क्या इशूज़ हैं हमारे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस एसिड रेन क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन पॉपुलेशन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज सॉइल इरोजन वेदरिंग ये सब कुछ क्राइसिस जो है इनके बारे में हम स्टडी कर पा रहे हैं तो जोग्राफ़ी की मदद से स्टडी कर पा रहे हैं और पहले जो चीज़ें हमें नुकसान देती थी आप देख सकते हैं आजार्स वगैरह मिलते थे आपको तूफान आते थे डोनेडोज आते थे मुंबई में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है डॉट डौ, ड्रॉट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो पहले हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती थी हमें काफ़ी नुकसान होता था लेकिन अब हमें इसके बारे में नॉलेज है अब हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है कब अक्कर होगी ये हमें पहले ही पता चल जाता है और उसकी वजह से हम आने वाला जो नुकसान है उसे हम रोक पाते हैं ये जोग्राफिक की स्टडी की वजह से ही रोक पाते हैं ठीक है उसके बाद है नेचुरल रिसोस के बारे में जैसे जैसे हम जोग्राफ़ी को स्टडी करते गए हम अलग के, अलग जगह को स्टडी करते गए अलग अलग देशों को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को हमने डिस्कवर किया उसके बाद हमें वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनकी एक्जिस्टेंस के बारे में पता चला कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं अब आज से कई साल पहले अगर आप देखोगे आपको मिनरल्स की नॉलेज नहीं थी कि मिनरल्स जो हैं वो आपको चट्टानों में मिलते हैं या ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है वो सरफेस के नीचे मिलता है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी जैसे जैसे हम जोग्राफ़ी स्टडी करते गए हमें इन चीजों के बारे में पता चला कि नेचुरल रिसोर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के अंदर और इन नेचुरल रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आज एनर्जी जो है एक एक रेवोल्यूशनरी जो है फील्ड बन गई है जिसके द्वारा पूरी अर्थ जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी हमारा छोटे से छोटा काम हमारा बड़े से बड़ा काम जो है वो हमारा एनर्जी पर डिपेंडेंट है एनर्जी जो है वो आपकी चाहे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हो या को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल से एनर्जी मिल रही है एरोप्लेन चलाने के लिए आपको एविएशन टर्बाइन फ्यूल से एनर्जी मिल रही है ये सारी एनर्जी कहाँ से हम ला रहे हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज से ला रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें कैसे पता चलता है जैसे हम ज्योग्राफी की स्टडी करते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है जैसे जैसे हम जोग्राफिक स्टडी करते कि हमें पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता था और एक्सप्लाटेशन uh, जो है नेचुरल रिसोर्स की भी होती रहती थी पोल्यूशन जो है वो पीक पर चढ़ गया था कोई किसी को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें पता नहीं था जैसे जैसे जोग्राफिक स्टडी करते कि हमें पता चला कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है हमें उसकी प्रोडक्शन के बारे में पता चला हमें रीज़न्स के बारे में पता चला कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसकी क्या वजह है पॉल्यूशन है गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में हमें पता चलता है और फिर हम उसको सर्विलियंस कर पा रहे हैं जब हमें रीज़न का पता चलता है कि ये रीज़न है इसके पीछे तो हम उस रीज़न को फिर ख़त्म करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करते आ रहे हैं कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे ऑल तो हम कितने सक्सेसफुल होते हैं इसके बारे में तो हमें नहीं पता लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश कर पा रहे हैं और मैनेज करने की कोशिश कर पा रहे हैं कि अब आपको पता है पैरिस एग्रीमेंट हुआ है 1992 में जो है रेयो सबमिट जो है वो हुई थी ये सब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रही हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देख लीजिए कैटो प्रोटोकॉल ये क्यों पॉसिबल बन पाई हैं ताकि क्योंकि हमने जियोग्राफी की स्टडी की और हमें पता चला कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है ये सब भी कब कैसे पॉसिबल होता है जैसे जैसे हम जियोग्राफी की स्टडी करते हैं उसके बाद सबसे बड़ी फ़ायदा जो है, जो है की स्टडी का वो वो हमें हुआ है स्पेस डिस्कवरीज पहले जो है जैसा कि मैंने बताया कि वारहा मीरा की बात कीजिए यार आर्यभ्टा की बात कीजिए तो दे जस्ट प्रज़्यूम उन्होंने सिर्फ एक आइडिया एक अनुमान लगाया था क्योंकि तब हमारे पास रॉकेट्स नहीं होते थे कि हम स्पेस में जाकर देख सकें कि सच में जो है अर्थ की शेप क्या है या अर्थ के अलावा जो है यहाँ पर प्लैनट कोई और एग्जिस्ट करते हैं या नहीं इवन काफ़ी टाइम तक तो, तो हमें ये भी नहीं पता था कि सन जो है वो हमारा वो एक स्टार है ठीक है इन सब चीज़ों के बारे में कब पता चलता है जब हम स्पेस डिस्कवरी जो है जब हम स्पेस डिस्कवरी कर पाए तब ही हमारे हमें ये पॉसिबल हुआ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे अर्थ के अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं अर्थ की शेप क्या है दूसरे प्लैनेट्स कैसे हैं सन के बारे में स्टार गैलेक्सीज एटमॉस्फेयर नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमें पता चल पाया वो था स्पेस डिस्कवरीज़ के बाद स्पेस डिस्कवरियाँ हुई हमने सेटेलाइट्स जो हैं उन्हें बनाने की कोशिश की सेटेलाइट्स को हमने ऑर्बिट्स में प्लेस करने की कोशिश की उन सेटेलाइट्स की वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अर्थ के बारे में और हमारी पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पता चल पाया और ये कैसे पॉसिबल हुआ जैसे जैसे हम ज्योग्राफी की स्टडी करते पाए ठीक है उसके बाद जब हमने स्पेस को डिस्कवर किया स्पेस में स्पेस uh, की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया स्पेस की इंपॉर्टेंस जो है हमें पता चली उसके बाद हमने जैसे कि पीछे बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमारी टेक्नोलॉजी टर्म जो है वो आई हमने सेटेलाइट्स प्लेस करनी स्टार्ट की उसके बाद हमें क्या हुआ हमारे पास अगर आप देखोगे जी यानी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जी सिस्टम की इन्वेंशन हुई एंड इसके बेस पर आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए आपके फ़ोन में अगर जी है तो आप अमेरिका जाइए आप लंडन जाइए आपको किस सी भी जगह पर पहुंचना है तो आप सिर्फ जीपीएस खोलिए वहां पर उस लोकेशन का नाम डालिए और आपको वो डोर स्टेप तक पहुंचा पाती है ये सब कैसे पॉसिबल होता है हमारी ज्योग्राफिक की स्टडीज से जैसे जैसे स्पेस डिस्कवरीज होती हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है तो इतनी इंपॉर्टेंस जो है जोग्राफी की आप देख सकते हैं सेटेलाइट जो है वो हम प्लेस कर पा रहे हैं आजकल के इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जिसमें हम हज़ार्ड्स वगैरह को डिटेक्ट कर पाते हैं प्रिडिक्ट कर पाते हैं उनको रोक पाते हैं उनके उनसे होने नुकसान को रोक पाते हैं हमारी जो एरियल थ्रेट्स हैं यानी हमारे अर्थ की बात करें सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ को अर्थ के अंदर स्पेसिफिक कंट्रीज को जो एरियल थ्रेट्स हैं वहां से पूरा जो है अगर आप देखो कि रेडार सिस्टम जो है इन्वेंट किया गया है वो पॉसिबिलिटी जो है वो कहाँ से भी एग्जिस्ट हुई कहाँ पर कहाँ से वो पॉसिबिलिटी आई है वो की स्टडी से ही आई है उसके बाद स्पेस थ्रेड जो है आज पहले आप देखोगे तो काफ़ी सारी हमारी लेक्स अर्थ पर आप देखोगे तो वो मेटेरॉयड्स के हिट करने की वजह से बनी यानी हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो हम जो भी ए, स्पेस में जो भी मटेरियल था एस्टीरॉयड्स देख लीजिए आप ये हिट करते थे अर्थ को और वहाँ पर नुकसान करते थे लाइफ का नुकसान भी होता था प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता था लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एस्टीरॉयड्स जो हैं उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कब एक एस्टीरॉय जो है वो अर्थ को हिट करने वाला है और हम उसको स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की भी एबिलिटी जो हम आज रखते हैं ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है की स्टडी की वजह से जो टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई है उसकी वजह से ठीक है उसके बाद जियोग्राफिक की स्टडी से और क्या क्या फ़ायदा होता है जैसे जैसे हम अलग अलग जगह को डिस्कवर कर पाए हमने अलग अलग कंट्रीज़ को डिस्कवर किया वहाँ के हम कल्चर को जान पाए कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं कैसी भाषा वहाँ पर बोली जाती है कैसे कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं ये कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चला और उस कल्चरल डाइवर्सिटी को जब हमने जाना तो हम हमने वो चीज़ें सीखने की कोशिश की अब आप एक इंडियन है उसको अगर चाइना में एडजस्ट होना है तो सबसे पहले तो चाइना का कल्चर जानना ज़रूरी है वहाँ पर क्या भाषा बोली जाती है क्या खाया पिया जाता है क्या लगाया जाता है कपड़े जाने में और फिर जब उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होता है हम उन चीज़ों को सीखते हैं और हम उन सब चीज़ों को सीखने के बाद जो है जब हम फिर दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ के हम कल्चर को इजीली अडोप्ट कर सकते हैं हम इंटीग्रेट हो पाते हैं और इस इंटीग्रेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन होती है ठीक है तो जियोग्राफी की स्टडी जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ज़रूरी है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है ठीक है क्योंकि फॉरेन कल्चर को अंडरस्टैंड करना जो है अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ डील करना चाहते हैं ट्रेड करना चाहते हैं रहना चाहते हैं या वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ के फॉरेन कल्चर को जानना जरूरी है वहाँ की लेबर वर्क फोर्स को जानना जरूरी है और वहाँ पर जो मार्केट एरिया है वो कैसा है आपके प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप ट्रेड परस्पेक्टिव से देखें तो इन सब चीजों को जानना जरूरी है और इस सब को जान पाता है इंसान कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करके और कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है जैसे जैसे हम जियोग्राफी के थ्रू जो है अलग अलग प्लेस पर विज़िट करते हैं वहाँ पर स्टडी करते हैं ठीक है और ये चीज़ें जो हैं यानी जोग्राफी की स्टडी जो हम ग्लोबलाइजेशन में हमें हेल्प करती है वो हमें एक ग्लोबल सिटीज़न बनाती है यानी आपको अगर हर कंट्री के बारे में पता है तो आराम से आप जहाँ वहाँ पर जाकर रह सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के उसके बाद जियोग्राफिक स्टडी से हमें पॉल्यूशन के बारे में पता चलता है पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन जो है उसका क्या नुकसान होने वाला है कम पॉपुलेशन के क्या फ़ायदे रहने वाले हैं इन सब के बारे में हमें पता चलता है जियोग्राफिक स्टडी से और जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है तो हमारा बिज़नेस जो है वो भी बढ़ता है तो ये भी सब पॉसिबल हो पाता है जियोग्राफी की मदद से ठीक है ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम अलग अलग मीन्स जो हैं वो डिस्कवर क्यों कर पाते हैं क्योंकि हमें अलग अलग वेज़ जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं यानी अगर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला तभी तो एरोप्लेन जाकर बने आपको वाटर बॉडीज़ के बारे में पता चला तभी आपकी शिप्स बनी आपको रोडवेज़ के बारे में पता चला तभी आपकी रोड्स बनी ये सब भी पॉसिबल हो पाया है जोग्राफिक की स्टडी से ठीक है और सबसे बड़ा और इम्पॉटेंट फ़ायदा जो है आज के परस्पेक्टिव से हम अगर हम देखें वो है की स्टडी जो है वो हमें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टडीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है ठीक है यानी आज से आप ये देखिए ये पिक्चर है इसमें अलग अलग चीज़ें जो बताई जाती हैं ये जोग्राफी की ही सारी पोस्ट यानी जोग्राफी की डिस्कवरी ना हुई होती जियोग्राफी को हम नहीं स्टडी कर पा रहे होते तो ये जो इतनी सारी पोस्टें अगर आपको देखने को मिल रही हैं चाहे वो आपकी सीज्मोलॉजिस्ट की हो चाहे वो आपकी हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट हो जी आई स्पेशलिस्ट की बात हो ये सारी वल्केनोलॉजिस्ट की ऑशनोग्राफर की अर्थ साइंटिस्ट की बात हो क्लाइमेटोलॉजिस्ट की ये सब जॉब्स जो हैं ये ज्योग्राफी की स्टडी करने के बाद ही डिस्कवर हुई है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में भी ज्योग्राफी की स्टडी का काफी इम्पोर्टेंस रहा है और ये सबसे बड़ा जो है वो आज के अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ जो है उनको जॉब की जरूरत है तो जोग्राफिक स्टडी से हमें इन अलग अलग जॉब्स के बारे में पता चला है आज से अगर आप चार पाँच सौ साल पहले जाकर देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट पोस्ट जो है वो पंद्रह सौ या सोलह सौ ईस्वी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो जैसे जैसे हम जोग्राफिकल स्टडी करते गए तो ऐसी ऐसी जो हैं अलग अलग फील्ड्स में ये अलग अलग जॉब जो है वो क्रिएट हुई और इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली ठीक है उसके बाद फील्ड्स की बात करें तो दो तरह की मेन जो ज्योग्राफी की फील्ड्स हैं दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है आइए देखते हैं क्या है? देखिए फिज़िकल जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल जियोग्राफी है जो कि फ़िजिकल फीचर्स वगैरह को स्टडी करती है जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है जो कि लैंडफॉम्स वगैरह की स्टडी को आ, करती है कि कैसे लैंड फॉर्म जो हैं वो बने क्या क्या प्रोसेस थी जिसमें लैंडफॉम्स जो हैं वो हुए हैं क्लाइमेटोलॉजी जो है ये आपके एटमोसफियर उसके एलिमेंट्स वगैरह के साथ डील करती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको फिज़िकल जियोग्राफी जो है वो भी है थर्ड सब टॉपिक है आपका और आपको जनरल जियोग्राफी है उसमें आपकी सारी जो हैं चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन जियोग ज्योग्राफी उसमें आती है आपकी यूनिवर्स की स्टडी सारी आ जाती है इस चीज़ को हम पढ़ेंगे डिटेल में बिल्कुल लेकिन आ, अगर आप देखो हाइड्रोलॉजी की बात करो तो वाटर के रिलेटेड जो स्टडी है सॉइल जियोग्राफी है सॉइल कैसे बनती है इन सब के बारे में जो है ये बताती है उसके बाद अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी की बात करो तो यहाँ पर आपको सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी आ जाती है कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर देन आपको पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी देखने को मिलती है कि कैसे जो है अलग अलग जगह की अलग अलग पॉपुलेशन है कैसे वो डाइवर्सिटी उनकी के अंदर है क्या क्या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उनके अंदर ये सब चीज़ें आपको बताती है डेंसिटी सेक्स रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब कैसा है उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है ये भी आपको अलग से टर्म है ये अलग से सब टॉपिक है आपका फिफ्थ सब टॉपिक है ये बताती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं लोगों की वो क्या क्या हैं अलग अलग जगह पर जैसे कि कौन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है इंडस्ट्रीज़ में टूरिज़म ट्रेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज अलग अलग जगह में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं कहाँ कहाँ की कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है कौन सी कंट्री सर्विसेज पर डिपेंड है ये सारी जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर आती है एंड आखिर में अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी आती है ये हमें बताती है हिस्ट्री वगैरह यही बात है कि यूनिवर्स के कैसे स्टडी हुई है यूनिवर्स कैसे बनता है इंसान कैसे आए वाटर की फॉर्मेशन कैसे हुई ये सब चीज़ें जो है आपको इस हिस्टोरिकल जियोग्राफी में देखने को मिलती है ठीक है तो यही आज की लेक्चर में यही है मैंने आपको कहा कि बेसिक टर्म्स हैं ये इसमें कुछ फैक्ट्स ज़्यादा नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में अगर आप कहेंगे कि क्या क्या इसमें आ सकता है तो ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा आपके जो इसके बाद के लेक्चर स्टार्ट होंगे जिसमें आपकी फ़िज़िकल जियोग्राफी है जनरल जियोग्राफी है इकोनॉमिक जियोग्राफी है और उसके बाद क्लाइमेट सॉयल्स एंड टाइप हैं ये सारी आपके अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इंटायर जियोग्राफी जो है आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी तो पहले हम फिज़िकल जियोग्राफी का एक लेक्चर करेंगे उसके बाद जो है अल्टरनेट वे में हम जनरल uh, ज्योग्राफी का जो है वो लेक्चर करते रहेंगे और uh, टाइम लगेगा अभी इसमें क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हम आपको कवर करने हैं इसके अंदर तो धीरे धीरे हम करते रहेंगे और दूसरी वीडियो जो हम आपको तीन चार दिन के बाद यहाँ पर मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही है बने रहेगी हमारे चैनल के साथ देखते रहिए एड्रॉड विंग्स